जिला सोलन पत्रकार संघ की ओर से पुलिस मैदान में दूसरी प्रेस क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय लीग के शुभारंभ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसपी सोलन मोहित चावड़ा विशेष रूप से उपस्थित रहे। लीग के पहले दिन दो मैच खेले गए, जिसमें टीम सी ने अपने दोनों मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। मैच की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा बैटिंग करके की गई। इस अवसर पर पत्रकार संघ के प्रधान नरेश पल ने मुख्य अतिथि को टीम के सदस्यों से परिचय करवाया। प्रतियोगिता का पहला मैच टीम बी व टीम सी के बीच खेला गया। टीम बी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इस अवसर पर डॉक्टर सैजल ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि खेल एवं व्यायाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खेल एवं व्यायाम व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में सक्रिय एवं समुचित भागीदारी निभा सकता है। उन्होंने कहा कि खेल एवं व्यायाम आज के भागदौड़ के जीवन में तनाव को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार न केवल समाज के सजग पैरी हैं, बल्कि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ भी हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपनी लिखनी और अपने समाचारों के माध्यम से समाज की विकृतियों और असमानताओं को दूर करने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। जिला पत्रकार संघ ने ये जो दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन किया है, उसमें आकर के आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता और बहुत हर्ष हुआ। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का पत्रकार जगत को जो है वो माना जाता है, और समाज में जो भूमिका है एक पत्रकार की, वो भूमिका को किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज जो है वो किया नहीं जा सकता। हर क्षेत्र में जो है वो व्यस्तता और हर क्षेत्र की अपनी अपनी व्यस्तता और है, और पत्रकार जगत भी जो है ये कम इसमें व्यस्तता और चिंताएँ जो है वो कम नहीं है, तनाव कम नहीं है। तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि जिला पत्रकार संघ ने अपने उन व्यस्त और तनावपूर्ण जो उनका जीवन है उससे हट करके दो दिन जो है वो खेल को समर्पित किए हैं। एक नई शुरुआत है और खेल की भावना जो है वो आनी चाहिए, हर क्षेत्र में आनी चाहिए, पत्रकार जगत में भी आनी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में भी आनी चाहिए, सब क्षेत्रों में आनी चाहिए।